आज सोमवार है, फरवरी की 15 तारीख। श्रीनगर से शाया होने वाले आज के अखबार की सुर्खियां। आज शुरुआत करते हैं रोजनामा आफ्ताब से। आफ्ताब की शाह सुर्खी है, हुकूमत ने तिजारत कायम करने का अमल आसान बनाया है। अहम तिजारती इस्लाहत का नजरिया रखने वाले सरमायाकारों के लिए दरवाजे खुले रखे। जम्मू कश्मीर में सन्नतें कायम करने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक्किदा इंतजामिया काउंसिल का बड़ा फैसला। सन्नतों के कयाम के लिए किसी NOC की भी जरूरत नहीं, सिंगल विंडो निजाम मुतारिफ। बिजली, पानी व दीगर लवाजमात सन्नतों को फराहम करने के मामलात को बर वक्त निपटाने के अमल को आसान बनाया गया। आज के रोजनामा कश्मीर उज़्मा से सुर्खी है, लिखा है कश्मीर की घरेलू दस्तकारियों के कारोबार में 234 करोड़ रुपए से जायद की कमी। कश्मीर में अपनी नौवियत की पहली सर्वे में अब तक 1,50,000 दस्तकारों की तफसीलात जमा, डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स। एक और सुर्खी है, जम्मू में नीवा पुलवामा का नर्सिंग तालिबे इल्म गिरफ्तार, बारूदी सुरंग जब्त, दो साथी भी हिरासत में, IG जम्मू। एक और खबर है, भारत की तवज्जो दिफाई शोबे में खुद इन्हसारी पर, अमन पर यकीन रखते हैं, पड़ोसी नीयत साफ रखें, वजीर आजम। आज के रोजनामा श्रीनगर टाइम्स की शाह सुर्खी है, स्कूल खुलने पर प्राइवेट स्कूलों की बसें दस्तियाब नहीं होंगी। वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल लाने और घर वापस ले जाने के लिए खुद इंतजाम करें या हुकूमत मुआवनत करे, एसोसिएशन। आज के BAB के कार्टून पर एक नजर। एक और सुर्खी है, जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा देने में अब देर किस बात की, लोगों को बेइख्तियार होने के एहसास से नजात दिलाने की सख्त जरूरत, बुखारी। एक और सुर्खी है, पुलवामा फिदायीन हमले की दूसरी बरसी, लेथपोरा और नई दिल्ली में तकरीबात, वजीर आजम, वजीर दिफा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जवानों को खराज अकीदत अदा किया। एक और खबर है इसी अखबार की, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला अपने अपने घरों में नजरबंद किए गए, क्या यही नया कश्मीर की निशानी है, ट्वीट की वसातत से एहतजाज का पैगाम जारी। रोजनामा तामिल इरशाद से सुर्खी है, लिखा है गैर मुल्की सफारतकारों का जम्मू और कश्मीर का एक और दौरा, जमीनी सूरत हाल का लेंगे जायजा, तारीख अभी तय नहीं हुई, ताहम 17 फरवरी को आमद मुतवक्का। एक और सुर्खी, मुलाजमीन के हवाले से हुकूमत का एक और हुक्मनामा, सियासी वाबस्तगी, नुक्से अमन में मुलवस मुलाजमीन की फहरिस्त पेश करने की हिदायत। एक और सुर्खी है, बच्चों को संगबारी पर उकसाने वाले अफराद 5 साल की कैद और 5 लाख का होगा जुर्माना। एक और सुर्खी इसी अखबार से, जैश मोहम्मद नई दिल्ली में हमला करने की ताक में, DGP दिलबाग सिंह। एक और खबर है कोरोना के हवाले से, लिखते हैं जम्मू और कश्मीर में उतार चढ़ाव के साथ आलमगीर वबा की लहर जारी, इतवार को कोरोना के मजीद 73 नए मामला दर्ज, अब तक 1,22,768 मरीज शिफायाब, महलूकें की तादाद 1,951, सरगरम मामला 622। आज के रोजनामा घड़ियाल से सुर्खी है, लिखते हैं बस स्टैंड जम्मू के करीब एक बड़े हादसे को टाला गया, 7 किलो वजनी IED को नाकारा बनाया गया, जम्मू शहर में हाई अलर्ट। एक और सुर्खी है, जवानों की कुर्बानियों से ही अमन की फजा लौट आई, राजनाथ सिंह, फोर्सेस की कुर्बानियां हमारे लिए एक असासा, अमित शाह। एक और सुर्खी है इसी अखबार से, कांग्रेस लीडर और साजिद के वजीर दिफा मरकज को बनाया तनकीद का निशाना, चीन के सामने झुककर मुल्क को शर्मिंदा किया, AK एंटोनी। एक और खबर है इसी अखबार के बॉटम में, लिखते हैं महकमा सियाहत ने वजाहत की, किसी भी सयाह की पेशगी बुकिंग रद्द नहीं की गई, वादी कश्मीर 50 लाख सयाहों के लिए तैयार। अंग्रेजी रोजनामा राइजिंग कश्मीर से हेडलाइन है, लिखते हैं नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस यूनिट इन जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस सिंगल विंडो सिस्टम, गेट्स रिड ऑफ 15 NOCs रिक्वायर्ड बिफोर। एक और हेडलाइन है इसी अखबार से, लिखते हैं पुलवामा अटैक एनिवर्सरी, प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट पे ट्रिब्यूट्स टू ट्रूपर्स।
आज के अंग्रेजी रोजनामा कश्मीर रीडर से हेडलाइन है, लिखते हैं 7 kg IED रिकवर्ड फ्रॉम जम्मू, DGP सेज मिलिटेंट्स प्रोक्योरिंग वेपन्स फ्रॉम बिहार। अंग्रेजी रोजनामा ब्राइटर कश्मीर से हेडलाइन है, लिखते हैं कुलाक कान टर्न बैक ऑन आर्टिकल 370, दुलर हुरियत एंड पीपल ऑफ कश्मीर डोंट हैव क्लैरिटी ऑन व्हाट दे वांट, न्यू दिल्ली हैज कमिटेड इटसेल्फ फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, पाकिस्तान आर्मी चीफ कमेंट ऑन टॉक्स ए वेलकम स्टेप। आज के रोजनामा इंडियन टाइम्स से सुर्खी है, लिखते हैं उत्तराखंड में जामबाग इंजीनियर आबाई इलाके में सुपुर्द खाक, LG के मुशीरों का लवाहिकीन के साथ ताजियत का इजहार। एक और सुर्खी है, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने बारामूला और उड़ी का दौरा किया, हाथ में लिए गए कामों को वक्त मुकर्रर पर मुकम्मल करने की हिदायत। तो ये थी आज की सुर्खियां। आदाब।